बस अभी मैं पहुंच रहा हूँ मासी का घर नजदीक है, सबसे सबसे नजदीक, तो अभी मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। वो भी सरप्राइज हो जाएगी यार, ये तो कभी आया नहीं मेरे घर पे, आज पहली बार आया है। हालत ही ऐसी है, क्या करेंगे। बट सीरियसली यार, ये साइक्लोन ने बहुत बहुत से किसानों का बहुत ही नुकसान किया, बहुत ही गंदा वाला नुकसान हुआ है। पेट्रोल पंप से लेके इंडस्ट्रियल से लेके फैक्ट्री वाले सब लोग ने इतना नुकसान। के गांव में आया गुजरात में, साइक्लोन ने हालत खराब कर दी है। ये वो अभी पहले जैसा नहीं रहा है, जाना पड़ रहा है। और सबसे नज़दीक यहाँ पे मेरे मासी का घर है, मेरे को वहाँ का फंस चुका हूँ। बट ठीक है, चल के जा रहा हूँ। तो यार खम्बे वम्बे इधर रास्ते पे गिरे हुए, एक गंदी हालत है इधर। कोई मतलब रास्ते पे कुछ चीज़ है ही नहीं जहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकता हूँ, चल के ही जाना पड़ेगा। वही कर रहा हूँ फिलहाल। ऐसा मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है मतलब। और नसीब देखो कि इतना कुछ हो गया, वो मतलब मेरे आने से पहले ही हो गया, वो भी मेरा एक नसीब। और मैं 24 आवर्स मैंने बस में निकाले, और बस में इतना गीले सोफे, कंटिन्यूस बारिश मुंबई से लेके यहाँ तक, कंटिन्यूस बारिश। और यहाँ पे मैं रुका, और ऊपर वाले की दुआ से बारिश नहीं है अभी। बहुत लकी हूँ मैं, मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हो। પડી જાય હાલી ને જવું પડી જાય इतना खाओ, कुछ पैसे की जरूरत नहीं। सोचो उनको पता है अनलिमिटेड आम है फ्री में, बट क्या मतलब। अभी वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे वाले रहेंगे, वो शायद पक सकते, नहीं भी पक सकते, गारंटी नहीं है। फिर वो एक कोई बोलेगा कि ये आम के पेड़ थे, हर जगह पे ऐसा ही है पूरा गुजरात। वो तो है।